तो 15 ऑगस्ट रोज समग्र भारत में स्वतंत्रता दिवस की उजवणी करवामां आवी हती। त्यारे देश नागरिकों 15 ऑगस्ट दिवसे राष्ट्रध्वज की खरीदी करता हो बाइक और कार में राष्ट्रध्वज ने लगवाता हो खूब सारी बात है। पर 15 ऑगस्ट बीजा दिवसे राष्ट्रध्वज रस्ता में पड़ेल जोवा मळतो हो जे बाबत योग्य न कहवाय। त्यारे अमदावाद में आवेली राग एनजीओ द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजन करवामां आव्यो हतो, जे अंतर्गत अमदावाद सैटेलाइट नेहरू नगर जजेस बंगलो और पकवान चार रस्ता जो विस्तारों में रस्ता पर पड़ेला राष्ट्रध्वज ने एकत्रित करी तेनु सन्मान जलवाई रहे ते प्रकार की कामगिरी हाथ धरी। महत्वपूर्ण बात ए छे के कुल 40 से वधु राष्ट्रध्वज रस्ता पर पड़ेला हता जे राग एनजीओ की टीम द्वारा एकत्रित करवामां आव्या छे। हम दोनों सोशल वर्कर हैं और हमारा एनजीओ रेगुलर काम कर भी रहा है। एक्चुअली हर साल 15 अगस्त पर बहुत सारे लोग झंडे खरीदते हैं, तिरंगे झंडे, और उस दिन वो ये बताना चाहते हैं कि भाई हम लोग कितने बड़े राष्ट्रभक्त हैं, हमें झंडे से बहुत प्यार है, अपने देश से बहुत प्यार है, और उसकी पहचान के लिए वो एक झंडा खरीदते हैं। लेकिन साथ ही साथ 16 अगस्त को हमने देखा कि अक्सर झंडे सड़कों पर पड़े हुए मिलते हैं। वैसे तो हमारी एनजीओ हर साल इस तरह का काम करती है कि वो झंडे इकट्ठी करती है, बट इस साल हमें लगा कि शायद लॉकडाउन की वजह से लोग कम निकलेंगे, चीज़ें ना हो, बट हमने पाया कि इस साल भी सड़कों पर झंडे पड़े हुए थे। वो झंडे हमने कलेक्ट किए, लगभग 40 से 50 झंडे हमने कलेक्ट किए हैं, और बहुत दुख हुआ। हर तरह के झंडे थे, छोटे बड़े, और ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ हम दिखाने के लिए कि हम राष्ट्रभक्त हैं, हम इस देश के वासी हैं, इसलिए हम ये झंडा रखें। मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट सबसे करना चाहता हूँ और इस एक्टिविटी यही रिक्वेस्ट, अगर आप झंडे को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो प्लीज़ उसे मत। थोड़ा है कि 5-10 रुपये में आपको झंडा मिल झंडा खरीद लेते, लेकिन आप लोग, ये हमारे देश का सम्मान है, ये हमारा गौरव है, ये हमारी पहचान है, तो उसको रिस्पेक्ट जरूर दीजिए। अगर आप, मैं अभी भी यही बात बोलूँ कि अगर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो प्लीज़ मत। और सरकार से अगर हो सके तो मैं ऐसी विनती करूँगा कि ये झंडे आसानी से लोगों को ना मिले, ऑफिस के माध्यम से मिले, इनका एक प्राइस सेट हो, तो वही लोग इनको, इसका प्राइस कुछ ऐसा होना चाहिए कि वही लोग परचेज कर पाए जो उसको उस तरह की कीमत पे कर पाए, कि जो 5-5-10-10 रुपये में हमें झंडे मिलते हैं इसके लोग इनको कहीं भी फेंक देते हैं। बहुत दुख हुआ ये देख करके, उनके मन से जय हिंद। लेकिन मैं आप सबसे यही उम्मीद करूँगा कि अगले साल शायद हम लोग इस तरह की कोई चीज़ ना करें और अपने नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट दें। थैंक यू, जय हिंद।